हेलो फ्रेंड्स, जीपेट अड्डा एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम एंटी ट्यूबिकुलर ड्रग्स चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले दो वीडियोस में हम बेसिक पार्ट को डिस्कस कर चुके हैं, सेकंड वीडियो में आइसोनियाजिड पार्ट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज जो थर्ड वीडियो है उसमें हम रिफामपिसिन ड्रग के बारे में डिस्कस करेंगे। रिफामपिसिन एक एंटी ट्यूबिकुलर ड्रग है जो फर्स्ट लाइन कैटेगरी से बिलोंग करती है। मीन्स ये ड्रग क्या है, हाईली एफिकेशियस प्लस में लो टॉक्सिसिटी ड्रग शो करती है। मींस टॉक्सिक इफेक्ट्स या साइड इफेक्ट्स हैं वो इसके कम है। फिर आता है डेरिवेटिव। रिफामपिसिन जो ड्रग है वो रिफामाइसिन का सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव है। रिफामपिसिन जो ड्रग है वो रिफामाइसिन ड्रग का सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये ड्रग है वो बैक्टीरियोसाइडल है। मींस ये बैक्टीरिया को किल करती है। ये जो ड्रग है वो बोथ बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव है। मीन्स ये स्लोली मल्टीप्लाइंग बैक्टीरिया की ग्रोथ को भी इनहिबिट करती है, मीन्स उनको किल करती है, एज वेल एज फास्ट मल्टीप्लाइंग बैक्टीरिया को। स्लोली मल्टीप्लाइंग बैक्टीरिया को भी किल करती है और साथ में फास्ट मल्टीप्लाइंग बैक्टीरिया को भी ये किल करती है। अभी दोनों कहां प्रेजेंट होते हैं, ये पहला जो वीडियो था उसमें डिस्कस कर चुके हैं कि जो फास्ट मल्टीप्लाइंग बैक्टीरिया है ये कहां ज्यादा मल्टीप्लाई करते हैं, जहां पे ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा होता है प्लस में पीएच जहां पे न्यूट्रल होती है। मीन्स एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट के अंदर ये बैक्टीरिया फास्टली मल्टीप्लाई करते हैं। स्लोली कहां पे मल्टीप्लाई करते हैं, मींस जहां पे पीएच कम होती है, मींस इंट्रा सेलुलरली ये बैक्टीरिया स्लोली मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जो हमारी रिफामपिसिन ड्रग है ये स्लोली मल्टीप्लाइंग बैक्टीरिया को भी किल करती है और फास्ट मल्टीप्लाइंग बैक्टीरिया को भी किल करती है। मींस इंट्रा सेलुलर बैक्टीरिया को भी किल करती है, एक्स्ट्रा सेलुलर बैक्टीरिया को भी किल करती है। लेकिन कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज्यादा इफेक्टिव किसके अगेंस्ट होती है, स्लोली मल्टीप्लाइंग बैक्टीरिया के अगेंस्ट या फिर फास्ट मल्टीप्लाइंग बैक्टीरिया के अगेंस्ट। ये ड्रग ज्यादा इफेक्टिव स्लोली मल्टीप्लाइंग बैक्टीरिया के अगेंस्ट होती है। ज्यादा इफेक्टिव किसके अगेंस्ट होगी, स्लोली मल्टीप्लाइंग बैक्टीरिया के अगेंस्ट। मीन्स इंट्रा सेलुलर बैक्टीरिया को ज्यादा किल करती है एज कंपेयर टू द एक्स्ट्रा सेलुलर या फास्ट मल्टीप्लाइंग बैक्टीरिया। जबकि आइसोनियाजिड ड्रग उल्टा काम कर रही थी, वो फास्ट मल्टीप्लाइंग बैक्टीरिया को ज्यादा किल कर रही थी एज कंपेयर टू द स्लो मल्टीप्लाइंग। इफेक्टिव दोनों के अगेंस्ट थी वो भी, और ये भी दोनों के अगेंस्ट इफेक्टिव है, लेकिन वो फास्ट मल्टीप्लाइंग बैक्टीरिया के अगेंस्ट ज्यादा इफेक्टिव थी। ये वाली ड्रग है स्लो मल्टीप्लाइंग बैक्टीरिया के अगेंस्ट ज्यादा इफेक्टिव है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये ड्रग स्पूटर्स के अगेंस्ट भी इफेक्टिव है। मीन्स जो हमारी फर्स्ट लाइन की पांच ड्रग्स हैं, आइसोनियाजिड, रिफामपिसिन, पाइराजिनामाइड, इथंबिडोल और स्ट्रेप्टोमाइसिन, पांचों ड्रग्स में सबसे ज्यादा इफेक्ट स्पूटर्स के अगेंस्ट किसका आता है, रिफामपिसिन ड्रग का। ठीक है, फिर आता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आएगा यहां पे कि ड्रग एक्ट कैसे करती है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये ड्रग क्या काम करती है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को इनहिबिट करती है। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस क्या होता है कि डीएनए से, मीन्स हम किसकी बात करें, बैक्टीरिया की बात करें, बैक्टीरिया में जो डीएनए है उस डीएनए से जो आरएनए बनता है वो किस प्रोसेस से बनता है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से, डीएनए से आरएनए बनना। ठीक है, और कौन सा एंजाइम हेल्प करता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, मींस आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट मींस डीएनए के ऊपर जो डिपेंड एंजाइम, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। मींस ये ड्रग क्या काम करती है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करती है, जिससे क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इनहिबिट हो जाएगी। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस अगर इनहिबिट होगी तो क्या होगा, आरएनए नहीं बनेगा। कौन सा आरएनए, एमआरएनए या टीआरएनए। वो एमआरएनए या टीआरएनए आगे किस लिए यूज होता, वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बैक्टीरिया यूज करता। ठीक है, ये ड्रग क्या काम करेगी, रिफामपिसिन ड्रग डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट कर देगी, जिससे क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इनहिबिट हो जाएगी। मीन्स एमआरएनए या टीआरएनए नहीं बनेगा, वो अगर नहीं बना तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी। मीन्स आगे तो डिफरेंट प्रोटीन्स बनने थे, डिफरेंट एंजाइम्स बनने थे, वो नहीं बनेंगे, मीन्स बैक्टीरिया वो किल हो जाएगा। तो ये ड्रग क्या काम करेगी, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करके अपना बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट शो करती है। क्लियर है, जाते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट्स। एडवर्स इफेक्ट्स में क्या है कि मेजर जो एडवर्स इफेक्ट है, जैसे आइसोनियाजिड ड्रग का था हिपेटोटॉक्सिसिटी, ये ड्रग भी क्या काम करती है, हिपेटोटॉक्सिसिटी शो करती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो चार टाइप की सिंड्रोम कोज करती है, पहला फ्लू सिंड्रोम। फ्लू सिंड्रोम में क्या होगा, पर्सन को चिल्स, फीवर, मेलाइज, बॉडी पेन या हेडेक, इस टाइप के सिम्टम्स डेवलप होंगे इस ड्रग की वजह से, फ्लू सिंड्रोम, चिल्स, फीवर, हेडेक या मेलाइज। दूसरा है क्यूटेनियस सिंड्रोम। क्यूटेनियस सिंड्रोम में क्या होगा, इसमें जो स्किन है वो रेड हो जाएगी, रेडनेस
उसकी आई से जो वाटरी हो जाएंगी उसको हम क्या बोलते हैं क्यूटेनियस सिंड्रोम। थर्ड है ये ड्रग अब्डोमिनल सिंड्रोम कोज करती है। अब्डोमिनल सिंड्रोम में क्या होगा कि पर्सन के अंदर नोजिया कोज करेगा, वोमिटिंग, अब्डोमिनल क्रैम्प्स होंगे, साथ में डायरिया भी कोज करेगी, तो वो एडवर्स इफेक्ट क्या है अब्डोमिनल सिंड्रोम के अंदर आएंगे। फोर्थ वन है रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये ड्रग रेस्पिरेटरी सिंड्रोम भी कोज करती है, जिसमें क्या होगा पर्सन ब्रीथलेसनेस शो करेगा, ब्रीथलेसनेस वो क्या होगा इसका सिम्टम है रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, तो ये पांचों एडवर्स इफेक्ट किसके हैं रिफॉर्मेशन ड्रग के, और मेजर जो साइड इफेक्ट है वो क्या है हेपेटोटॉक्सिसिटी। फिर आते हैं फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोकाइनेटिक क्या है ये ड्रग ओरली इफेक्टिव है, मींस हम इसको ओरल रूट से यूज करते हैं। दूसरा है ये ड्रग लीवर के अंदर मेटाबोलाइज होके बाइल के थ्रू, बाइल जूस के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट होती है, किडनी के थ्रू नहीं, किसके थ्रू बाइल जूस के थ्रू ये बॉडी से एक्सक्रीट आउट होगी। ठीक है, तो इसलिए ये ड्रग कहां अगर किसी पेशेंट के अंदर किडनी डैमेज है, रिनल फेलियर हो रखा है, तो उस पेशेंट के अंदर हम अगर इस ड्रग को यूज करेंगे तो ये ड्रग वहां पे सेफ होगी, मींस फुल डोज हम इसकी यूज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिनल फेलियर में ये ड्रग हम यूज कर सकते हैं क्योंकि ये ड्रग बाइल जूस के थ्रू एक्सक्रीट आउट होती है। थर्ड वन कि अगर फूड किसी पर्सन ने कंज्यूम कर रखा है और हम ओरली इस ड्रग को कंज्यूम करते हैं तो इसका अब्जॉर्प्शन वो कम हो जाएगा, मींस फूड है इसकी अब्जॉर्प्शन को रिटार्ड करता है, कम करता है, इसलिए जब भी हम इस ड्रग को कंज्यूम करेंगे एम्प्टी स्टोमक या विदाउट फूड हम इसको कंज्यूम करेंगे। ठीक है, फिर आता है लास्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिफॉर्मेशन ड्रग यूज करने की वजह से जो सीक्रेशंस लाइक यूरिन या दूसरे जो सीक्रेशंस है उनका कलर कैसा हो जाता है ऑरेंज रेड, यूरिन का कलर कैसा हो जाएगा ऑरेंज रेड, ये इस ड्रग का साइड इफेक्ट है। दूसरा है कि ये ड्रग है प्रेगनेंसी में सेफ है, सेफ इन प्रेगनेंसी मींस फिटस को ये इफेक्ट नहीं करती। और थर्ड वन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये ड्रग वो एंजाइम इंड्यूसर है, ये एंजाइम्स को इंड्यूस करती है। ठीक है, तो फटाफट से ब्रीफ में इस ड्रग को मैं दोबारा से बता रहा हूं कि पहला पॉइंट है कि ये ड्रग बैक्टीरियोसाइडल है, दूसरा ये ड्रग इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया के अगेंस्ट ज्यादा इफेक्टिव होती है एज कंपेयर टू द एक्स्ट्रासेलुलर बैक्टीरिया। काइनेटिक में क्या है कि अगर हम एम्प्टी स्टोमक में इसको कंज्यूम करेंगे तो ज्यादा अब्जॉर्ब होगी, अगर विद फूड इसको कंज्यूम करेंगे तो इसका अब्जॉर्प्शन वो कम हो जाएगा। फिर क्या है कि इसका जो एक्सक्रीशन होता है वो बाइल जूस के थ्रू एक्सक्रीट आउट होती है ये ड्रग। फिर है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये ड्रग क्या काम करती है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करके ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को इनहिबिट करती है, जिससे क्या होगा प्रोटीन सिंथेसिस आगे वो इनहिबिट हो जाएगी। और साइड इफेक्ट में मेजर साइड इफेक्ट क्या है ये ड्रग हेपेटोटॉक्सिसिटी कोज करती है। और एक और है कि ये ड्रग जब हम यूज करेंगे तो इसकी वजह से जो सीक्रेशन है लाइक यूरिन उसका कलर कैसा हो जाएगा ऑरेंज रेड। ठीक है, तो ये थी माई ड्रग रिफॉर्मेशन ड्रग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।